जेपी नड्डा की मौजूदगी में सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री महेश्वर विधायक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु की छोटी बहन प्रमिला साधु ने भाजपा की सदस्यता ली। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावी वर्ष में राजनीतिक उठापटक जोरों पर है। इसी बीच भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा में कांग्रेस को भाजपा ने झटका देते हुए पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु की बहन प्रमिला साधु ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद बातचीत में प्रमिला साधु का बड़ा बयान सामने आया। प्रमिला साधु का कहना है कि कांग्रेस आत्मसम्मान और पिता जिन्हें निमाड़ का गांधी कहा जाता था उनकी उपेक्षा में छोड़ी है। अपने गृह गांव मंडलेश्वर में पिता सीताराम साधु का स्टैचू नहीं होने और पीसीसी में पिता के फोटो नहीं होने पर प्रमिला ने सवाल उठाए हैं। महेश्वर से कांग्रेस की वर्तमान विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु की छोटी बहन प्रमिला ने कहा, मतभेद और मनभेद हर जगह रह सकते हैं लेकिन पिता की उपेक्षा और पिता के द्वारा छोड़े कामों को पूरा करने के लिए भाजपा में शामिल हुई है। विधानसभा चुनाव के पहले विजय लक्ष्मी साधु के गढ़ में भाजपा की सेंधमारी और चुनाव लड़ने पर प्रमिला साधु का कहना है कि पार्टी अगर आदेश देगी तो महेश्वर से चुनाव। क्या कारण है, क्या मकसद? देखिये, मैं सभी को बता चुकी हूँ, कुछ परिस्थितियाँ और आत्मसम्मान आपको मजबूर कर देते हैं कि सही दिशा में सही निर्णय लेने के लिए। आज वो वक्त आ गया था तो मैंने निर्णय ले लिया। और परिवार में जरूरी नहीं सबके विचार एक जैसे हों, विचार में मतभेद हो सकता है। मेरे विचार अलग, मैं अलग तरीके से सोचती हूँ। अगली क्या रणनीति है आपकी? जो पार्टी तय करेगी। क्या महेश्वर से चुनाव लड़ेंगे? पार्टी, मैं मामूली सा एक बहुत अदना सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी अगर उचित समझेगी, मुझे उस काबिल समझेगी तो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। पर यहाँ मेरे अपने पिता की कर्म भूमि पर आई हूँ कुछ ऐसा करने के लिए कि जो मेरे पिता के अधूरे काम हैं, वो जो करना चाहते थे, जो मुझसे उम्मीद करते थे और चाहते थे कि उनकी जगह पर मैं हूँ, पर चूंकि मुझे मौका नहीं मिला तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पिता का ज़माना मैं वापस लाऊँ, कुछ ऐसा काम कर जाऊँ कि उस बाप की बेटी होने का फर्ज 5% भी निभा लूँ तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने पिता की बेटी होने का फर्ज निभा लिया।